ॐ नमःसिदेव्यः ॐ नमःसिदेव्यः यदर्शा प्रमुदित्मना दर्दुर्यः

મહાવીર સ્વામી નયન પથગામી ભવતું પ્રથમ તીર્થંકર ભગવાન કી ભગવાહાવીર સ્વામી કી પરમ પૂજ ગુરુદેવ આચાર્ય શ્રી પુષ્પદન સાગરજી મહારાજ કી અહિંસા પરમો ધર્મ કીધી પેરી હ पलकें झुकाकर जियो दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी जीवन का गणित बड़ा उल्टा गणित है यहां दुनिया पे नजरें रखो तो दुनिया हमसे नजरें फेर लेती है और हम यदि दुनिया से नजरें फेर लें तो सारी दुनिया हमें देखना प्रारंभ कर दिया करती है बड़ा उल्टा गणित है हमने दुनिया से नजरें फेरी सारी दुनिया ने हम पर नजरें लगा दी भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम और जब से इसे ठुकराया है पास आने को बेकरार है बड़ा उल्टा गणित है भगवान महावीर ने नजरें झुका ली सारी दुनिया ने उन पर नजरें उठा ली जीवन का गणित बड़ा उल्टा है जिस चीज को मना करो दुनिया वही करती है और जिस चीज को हां करो दुनिया वो करती नहीं यदि मैं नियम दे दूं आपको कि कल से प्रवचन में नहीं आना तो शायद यहां पे रखने को जगह नहीं होगी ध्यान रखना क्योंकि तो आपको वही करना है जो हमें कहना है उसके उल्टे जाना है ध्यान रख ईश्वर ने हमें नसीब दे करके भेजा है हर आदमी धरती पर आता है तो अपना नसीब साथ लेकर आता है अपनी किस्मत साथ लेकर के आता है लेकिन एक बात याद रखना ईश्वर से नसीब तो मिल सकता है ईश्वर से चेहरा तो मिल सकता है जो भी चेहरा हम लेकर के आए हैं वो ईश्वर के द्वारा हमें प्रदत्त हुआ है लेकिन एक बात याद रखना कि चेहरा तो ईश्वर देता है पर उस चेहरे पे कैसे भाव बनाना ईश्वर का काम नहीं है हमारा काम हुआ करता है आपका काम हुआ करता है सबका काम हुआ करता है चेहरा आप मुस्कुराता हुआ भी रख सकते हो चेहरा आप उदास भी रख सकते हो एक बात याद रखना मानव का तन तो ईश्वर की कृपा से मिलता है लेकिन मानव के तन से कैसे जिंदगी जीना इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं हुआ करता ध्यान रखना कुछ मत बदलो चेहरा नहीं बदल सकता कोई बात नहीं आदमी को अपना नेचर जरूर बदलना चाहिए ध्यान रखना एक आदमी ने कहा कि मेरा जीवन दुखी है मैं क्या करूं कुछ बताओ महाराज ताकि मैं अपना जीवन बदल सकूं मैंने कहा मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं है ज्योतिष मन तंत्र मुझे आती नहीं मैं इनका विनोद के पास चले जाना वो बता देगा क्या करो लेकिन मेरी दुकान पे आओगे तो मैं इतना ही कहूंगा यदि जीवन को बदलना है और दुखी जीवन को सुखी बनाना है तो आदमी चेहरा बदले या ना बदले आदमी को अपना नेचर जरूर बदलना चाहिए नेचर बदल गया तो जिंदगी अपने आप परिवर्तित हो जाती है अरे नेचर जैसा नेचर वैसा फ्यूचर ध्यान रखना जैसा आप अपना जीवन बनाओगे जैसा स्वभाव बनाओगे वैसा आपका भविष्य बन जाएगा फ्यूचर सुधारना है तो फ्यूचर के सुधारने के पीछे मत भागो अरे नेचर सुधार लो फ्यूचर को सुधारने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती अपना नेचर बदलो अपना स्वभाव बदलो बदलना पड़ेगा महिलाएं बहुत शीशा देखती हैं दर्पण देख के आई होंगी कई इस प्रयास में कि पर्स में से निकाल के एक बार और देख ले कोई बात नहीं देखो भगवान ने दिया है देखने के लिए दिया है दर्पण काय के लिए बना कि आप अपना चेहरा देखो आदमी भी दर्पण देखता है आदमी भी शीशा देखता है आप भी देखिए लेकिन आज मेरी सीख लेकर के जाइए यदि आपको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं मैं बहुत खूबसूरत हूं मेरा चेहरा बहुत अच्छा है तो आपसे मेरा निवेदन है आप दिन में पांच बार शीशा देखना ध्यान रखिए यदि आप अपने को सुंदर समझते हो खूबसूरत समझते हो अपने आप को सुंदर तो सब समझते कौन नहीं समझता है लेकिन दो चार लोगों ने कह दिया कि अरे तुम तो बड़े हैंडसम बड़े स्मार्ट बड़े खूबसूरत हो बड़े ब्यूटीफुल हो पांच बार चेहरा देखना ध्यान रखना दर्पण जरूर देखना दर्पण का विरोध नहीं कर रहा हूं जो बहुत खूबसूरत हो उसे पांच बार दर्पण देखना चाहिए और जो बदसूरत हो उसे पचास बार दर्पण देखना चाहिए ध्यान रखिए जिसके चेहरे हाँ इसमें तो ताली जरूर बजेगी महाराज दर्पण छुड़ा थोड़ी रहे हैं दिखा रहे हैं है। आदमी को वार, पचास बार दर्पण देखना चाहिए और खूबसूरत आदमी को पांच बार दर्पण देखना चाहिए उसके पीछे एक चिंतन है एक सोच है जब खूबसूरत आदमी दर्पण देखता है और सोचता है कि मेरा चेहरा इतना सुंदर है तो आदमी को सोचना चाहिए कि जितना चेहरा मेरा सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर मेरा स्वभाव होना चाहिए उससे ज्यादा सुंदर मेरा नेचर होना चाहिए एक बात याद रखना चेहरे की खूबसूरती ज्यादा देर अच्छी नहीं लगती है एक सुंदर चीज कितनी देर अच्छी लगी एक बार देखो दो बार देखो तीन बार देखो चार बार देखो पांचवी बार ऐसा होता है कहां तक इसी चेहरे चेहरे को देखते रहेंगे मेरे भाई एक बात याद रखना चेहरे की सुंदरता ज्यादा देर नहीं चलती है मैं ये नहीं कहता हूं कि चेहरे की सुंदरता का कोई महत्व तो नहीं होता है उसका भी अपना एक महत्व हुआ करता है लेकिन आपसे मेरा इतना ही निवेदन है चेहरा कितना भी सुंदर हो यदि स्वभाव खराब है तो वह सुंदरता मिट्टी में मिल जाया करती है उस सुंदरता का कोई मूल्य और जो आदमी बदसूरत है उसे पांच बार नहीं पचास बार चेहरा देखना चाहिए उमेश मैं इसको बोल रहा हूं खूबसूरत है पांच बार चेहरा देखे पचास बार चेहरा देखो आदमी को यदि बदसूरत है तो इसलिए देखो कि भगवान ने ईश्वर की ने मुझे चेहरा तो सुंदर नहीं बनाया है लेकिन पचास बार चेहरा देखना कि चेहरा सुंदर नहीं है तो भी मैं जिंदगी जी सकता हूं अरे यदि मेरा चेहरा बदसूरत है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं हीन भावना लाने की कोशिश मत करो पचास बार चेहरा देखो और बोलो कि चेहरे से ज्यादा सुंदर मैं अपना चरित्र बनाऊंगा अपना व्यवहार बनाऊंगा अपना नेचर बनाऊंगा अपना स्वभाव बनाऊंगा एक बात याद रखना बदसूरत लोग भी यदि सुंदर स्वभाव रखते हैं तो मैं जहां तक मेरी सोच और मेरा अनुभव है सुंदर चेहरों से ज्यादा खूबसूरत वो आदमी लगा करता है विचार करिए लता मंगेशकर कोई ज्यादा सुंदर तो नहीं है देखने में देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है ऐश्वर्या राय जैसी तो दिखती ही नहीं है लेकिन लता मंगेशकर सुंदर नहीं है देखने में बहुत खूबसूरत हो या ना हो लेकिन लता मंगेशकर की आवाज और लता मंगेशकर का स्वभाव वो है कि हजारों लोगों के दिलों में जो राज किया करते हैं एक बात याद रखना आदमी का व्यवहार और आदमी का नेचर स्वभाव याद रखा जाता है चेहरे की और शरीर की सुंदरता को कोई भी याद नहीं रखता मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप किसी के घर गए और आपने किसी के घर में आप पहुंचे चकुर जी आप किसी के घर गए बहुत सुंदर मकान है सोने के दरवाजे हैं बड़े विदेशी टाइल लगे हुए हैं उस मकान में बहुत खूबसूरत पारदर्शी पर्दे लगे हुए हैं फर्नीचर देखो तो दांतों तले उंगलियां दबा लो इतने महंगे महंगे झाड़ फानूस लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत मकान मकान हो और और तुम जाओ और मकान तो बहुत सुंदर है बीसियों नौकर चाकर हैं लेकिन तुम जाओ और तुमसे ढंग से कोई ना बोले एक गिलास पानी को कोई ना पूछे तो याद करिए मेरे भाई जब उस घर से आप निकल के जाओगे तो आप बताइए मुझे बड़े ईमानदारी से वो पहेंगे पर्दे याद आएंगे वो टाइल्स याद आएगा या खूबसूरत फर्नीचर याद आएगा या आपको सब देखने के बाद विदेशी सामान देखने के बाद यदि दो शब्द भी प्यार के ना बोले तो भाई मकान की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं रहा करता है आदमी उस मकान को याद कौन रखेगा मकान को याद जाते समय भले लगेगा कि बहुत सुंदर मकान है लेकिन सुंदर व्यवहार नहीं है उस घर की तरफ कोई देखने को तैयार नहीं होगा ध्यान रखना और मैं कहता हूं किसी ऐसे घर में चले जाना जहां झोपड़ा हो कोई रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं हो अरे महंगा फर्नीचर ना हो खूबसूरत पर्दे और झाड़ फानूस ना हो लेकिन जैसे ही तुम जाते हो तो ऐसा बोलता है उस घर का मालिक कि मुंह से फूल झरा करते हैं आपका खाने पीने का मन नहीं है तो भी बैठ करके भोजन कर लिया करता है अब आप बताओ पुना वालो उस गरीब की झोपड़ी से निकल के तुम्हें झोपड़ा याद ना रहेगा उसकी मीठी वाणी और व्यवहार तुम्हें हमेशा याद रहेगा एक बात याद रखना, मकानों की सुंदरता जीवन को सुंदर नहीं बनाती है व्यवहार की सुंदरता से हमारा जीवन सुंदर बना करता है मान्यवर आपसे निवेदन व्यवहार बहुत सुंदर बनाओ बहुत मीठा बोलो अच्छा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो एक बात याद रखना अच्छा बोलने वाला यदि सिकंजी में थोड़ी सी शक्कर कम पड़ जाए तो भी चल जाया करता है और सिकंजी बहुत मीठी हो और कड़वा बोलते हो तो कोई उस सिकंजी को पीने को तैयार है नहीं बहुत अच्छा व्यवहार रखिए मीठा व्यवहार रखो मधुर व्यवहार रखो व्यवहार यदि मीठा होता है तो भीलनी के जूठे बेर भी श्री राम स्वीकार कर लिया करते हैं ध्यान रखिए व्यवहार में मधुरता होना चाहिए क्या फर्क पड़ता है कि किसी की खाट पर बैठ जाओ या महंगे सोफे पर बैठ जाओ असर इन चीजों का नहीं पड़ता असर हमारे व्यवहार का पड़ा करता है बहुत मीठा बोलो हाथ जोड़ करके बोलो विनम्रता से बोलो इतना अच्छा भी घर में आजकल बचे कितने लोग हैं मेरे भाई बताए दो चार लोग तो रहते हैं पति पत्नी बच्चा रहता है ज्यादा जोर लगा तो दादा दादी रहते इससे ज्यादा तो घर में अब कोई है ही नहीं ये चार पांच लोग ही यदि प्रेम से रहने लगे तो घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करते चार पांच लोगों को ही तो सुधरना है पूरी समाज को सुधारने की चिंता मत करो पूरे शहर को सुधारने की चिंता मत करो अरे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार तेरा मन ही जगत है पहले उसे सुधार अपने जीवन को बदलो मैं पूछ सकता हूं एक बार महिलाओं से पूछू एक ऐसा पति है जो पांच लाख रुपए कमाता है महीने के पांच लाख दस लाख रुपए कमाता है बहुत पैसा है उसके पास बहुत सुंदर मकान है उसके पास गाड़ियां हैं उसके पास लेकिन महिलाओं बताओ वो पति तुमसे रूखा बोलता है मीठा नहीं बोलता कभी तुम्हारे दुख दर्द नहीं पूछता कभी तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखता लेकिन बहुत सुंदर पति है देखने में बहुत खूबसूरत है और एक पति सांवला है एक पति इतना पैसा नहीं कमाता है लेकिन तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथी बनता है तुम्हारे पीहर वाले आते हैं तो पूना घुमाने के लिए ले जाता है तुम्हें छुट्टियों पर बाहर भोजन कराने के लिए ले जाता है तुम अपनी जुबान पर जो लाओ वो काम पूरे करता है राका ज्वेलर्स में कोई डायमंड सेट आ जाए तो डायमंड सेट तो नहीं खरीद सकता लेकिन एक प्रेम का मंगल सूत्र लेकर आता है और जब भी बोलता है बड़े प्यार से बोलता है बताओ महिलाओं कमाता वो पचास हजार है और एक कमाता पांच लाख है बोलो कैसा पति चाहिए प्यार से बोलने वाला पचास हजार वाला या गुस्से से बोलने वाला पांच लाख रुपए वाला कैसा पति चाहिए बोली पहला वाला चाहिए तो हाथ उठाओ पचास पांच लाख वाला भले जिंदगी बर्बाद कर दे पचास हजार वाला हाथ तो उठा के विश्वास दिलाइए देखो पुरुषो कौन कहता है महिलाएं पैसों पर मरती हैं ये पैसों पर नहीं है स्वभाव पर मरा करती हैं ये प्रेम पर अपना जीवन सबने कह दिया पैसा नहीं चाहिए नेचर चाहिए अच्छा कोई लड़का कुंवारा बैठा है नहीं कोई भी हो एक लड़का कुंवारा खड़ा हो जाए कोई भी ईमानदारी से आ जाओ ऊपर आ मैं तुम्हारी शादी कराती अरे आओ ना आओ ना घबराओ आओ माइक दो जरा इसको नहीं अब थोड़ा आओ इधर आओ अरे आना ऐसे घबरा रहा शादी के नाम से ही घबरा गया मुझे तो लगता तो घोड़ी से उतर के भाग जाएगा बेटा आओ क्या नाम तुम्हारा माइक ले लो घबराओ नहीं ये शादी में शादी में नहीं घबरा रहे मुझसे क्यों घबरा रहे हाँ क्या नाम तुम्हारा मनोज उधर देखो शादी इधर थोड़ी होगी हाँ शादी नहीं हुई अभी तुम्हारी नहीं मनोज नाम है तुम्हारा और इतने हैंडसम फिर भी शादी नहीं हो रही है। करना है या नहीं मुझे पंडित जी से अच्छा ये पंडित। ये पंडित, <laughs> एक बात बताओ मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं एक बहुत खूबसूरत लड़की है दहेज में लाखों रुपए लेकर आएगी देखने में बहुत सुंदर है और बहुत ही खूबसूरत लड़की लाखों का पैसा रुपया दहेज लाएगी और एक सांवली है दहेज बिल्कुल नहीं लाएगी पैसा ज्यादा नहीं है उसके पास लेकिन जो खूबसूरत है उसका स्वभाव खराब है और जो बदसूरत है काली है सांवली है बदसूरत तो छोड़ो उसका स्वभाव बहुत अच्छा है किससे शादी करोगे सांवली चले बहुत बढ़िया देख लो कौन कहता है कि लड़के पैसों पे मरते हैं हर लड़का स्वभाव पे जीता है प्रेम में जीना इससे ज्यादा और प्रैक्टिकल जीवन क्या प्रवचन सुना मैं पक्का सांवली चलेगी अच्छी सुंदर हो चलेगी चले। पंडित जी की नकल मत करो उनकी तो सही है चलिए पहुंचिए देखिए ये, ये प्रवचन समझने का प्रयास करो कोई पैसे पे नहीं मरता मेरे भाई हर आदमी नेचर और स्वभाव पर जिंदगी को जीना चाहता है घर में खुशियां पैसों से नहीं आती मेरे भाई घर में खुशियां नेचर से आया कर अपना नेचर बदलने का आप प्रयास करिए कभी आपने ख्याल किया सुरेंद्र कुमार जी बड़े खुश हो रहे क्या बात है अपनी तो सही है ना कि गड़बड़ है बीना बजा रही है प्यार दिखा रही है और क्या चाहिए तुमको तुम्हारी तो बहुत अच्छी है अब तुम कैसे वो वो ही बताएगी ध्यान रखना मान्यवर सोचना है आपको लोग नाहक सोचते हैं कि पैसे में सुख है व्यवहार में सुख है मेरे भाई पैसा तो रावण के पास था सोने की लंका थी मंदोदरी जैसी रानी थी अठारह हजार रानियां रावण के पास थी क्या कमी थी रावण को नेचर ख़राब था ध्यान रखिए, तो सोने की लंका में भी रावण को नींद नहीं आती थी और राम का नेचर बहुत अच्छा था पर्ण में भी शांति से रात्रि बिता दिया करते थे ध्यान रखिए आदमी दुखी किससे है आदमी दुखी है अपने स्वभाव से आदमी नाराज है अपने स्वभाव से आदमी परेशान है अपनी जिंदगी से एक बात ध्यान रखें। कभी आपने इस देखा किसी भी देवता को इंसान कहा जाता है क्या नहीं कभी सोचना स्वर्ग के देवता को इंसान कहा जाए मैंने तो आज तक नहीं सुना मिलिन जी की देवता को इंसान कहा जाए लेकिन मैंने ये तो सुना है कि किसी भी इंसान को अच्छा जीवन जीता है तो उसे देवता कहकर के बुला दिया जाता है इंसान देवता बन सकता है लेकिन इन देवता को कोई भी इंसान कभी आपने सोचा किसी शैतान को इंसान कहकर गाली दी हो लेकिन एक बात तो मैंने देखी है कि इंसान को शैतान कहकर के गालियां जरूर दी जाती हैं आप देखिए किसी भी जानवर को आज तक इंसान कहकर नहीं पुकारा गया लेकिन इंसान को जानवर कहकर के पुकारा कभी ख्याल करना विचार करना गधे को गधे कहा जाएगा गधे को कोई मिलाप चंद कह के बुलाएगा क्या ए? कोई इंसान को हर किसी की उपाधि फिट हो जाती है लेकिन देवताओं को किसी की उपाधि फिट नहीं होती है मान्यूवल क्या कहलवाना है देवता या गधा ध्यान रखिए कुछ भी कहलवा सकते हो ये तुम्हारे नेचर पर डिपेंड किया करता है एक बात याद रखना जिंदगी में सत्तर प्रतिशत महत्व हमारे स्वभाव का होता है सत्तर प्रतिशत काम स्वभाव करता है दस प्रतिशत काम सुंदरता करती है और 20 प्रतिशत जो काम होते हैं वो हमारा पहनना और ओढ़ना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना करता है ध्यान रखिए, 20 परिधान, आप कैसे वस्त्र पहनते हैं आप कैसे आभूषण पहनते हैं इसका जिंदगी में 20 प्रतिशत फर्क पड़ता है आपका चेहरा कितना सुंदर है इसका 10 प्रतिशत फर्क पड़ता है और आपका नेचर कितना अच्छा है इसका सत्तर प्रतिशत जीवन में फर्क पड़ा करता है ध्यान रखिए नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए नेचर को बदल लीजिए एक बहुत बड़ा आदमी था उसे अपने बेटे की शादी करना थी बहुत करोड़पति आदमी था भाई लड़की देखने गया लड़की बहुत सुंदर थी देखने में जैसे ही उस घर में पहुंचा तो बड़ा स्वागत हुआ उसका लड़की भी किसी कम नहीं थी वो भी बहुत पैसे वालों की लड़की थी जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा महंगी से महंगी कार उस लड़के के पिता को लेने आ गए कि मेरी बेटी को कोई देखने आ रहा है बीस नौकर चाकर उसकी सेवा में खड़े जाकर के जब डाइनिंग हॉल में बैठा डाइनिंग टेबल पर तो भोजन रखा हुआ है इतने भोजन इतने व्यंजन देखकर हैरान हो गया इतना खाना आप तो करते ही है ना हकीकत बताऊं पूना वालों तो आज जो मेहमान नवाजी होती है ना वो इसलिए नहीं होती कि अतिथि आया है तो खिलाओ आज तो हमारे घर में भी आदमी देख करके प्लेट सजा करती है ज्यादा पैसे वाला है तो बहुत अच्छी प्लेट सजेगी ज्यादा अच्छे आइटम रखे जाएंगे कम पैसे वाला है तो चाय में निपटा दिया जाएगा बेचारा चपरासी आ गया तो एक गिलास पानी को कोई पूछने को तैयार और महज एक व्यवस्था तो देखो क्या औपचारिकताएं चल रही है प्लेट भर के रख दिया जाएगा काजू किशमिश बादाम ध्यान रखना मैं आपके घरों के बारे में बता रहा हूं बड़े महंगे महंगे मेवा मिष्ठान रख दिए जाएंगे लीजिए ना लीजिए नहीं नहीं मुझे नहीं लेना एक बार तो भारत का आदमी जरूर मना करता है कि नहीं 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 मुझे अरे फिर भी लीजिए ना अब मान लो उसने धीरे से एक काजू उठा के खाएगा ज्यादा नहीं खा सकता कितना खाएगा एक काजू हाँ बड़ा अच्छा बस बस और लीजिए नहीं 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 बस इतना ही अब बताओ भाई हकीकत में क्या आदमी अपनी जिंदगी में एक ही काजू खा के जीता है लेकिन इतनी औपचारिकताएं बन गई है ना मेहमान चाहता है कि ये खाए ना वो चाहता है मैं इसका प्रेम स्वीकार करूं एक काजू उठा करके खाएगा मैं आपसे निवेदन करता हूं किसी दिन नेचुरल होकर खा लेना काजू की प्लेट आए और नेचुरल होके खा ले धड़ाधड़ आने दो आने दो आने दो आग फटी की फटी रह जाएंगी उसकी कि ये कर क्या रहा रहा इतना खा रहा है और जब उठके चला जाएगा तो बीबी को ले बोले क्या आज के बाद काजू नहीं लाना ने? आज के बाद प्लेट में काजू नहीं लाना बोले क्यों बोले ये तो खाता है वाहरा सत्कार खाना किसी को नहीं दिखाना है ये हमारा स्टेटस सिंबल है ध्यान रखिए खाना तो किसी को नहीं है खा गया तो खिलाने वाले के पसीने क्योंकि इसलिए उसे गुस्सा गया कि आज की बात काजू मत रखना ये तो खाता है तो वो से काय के दिखाने के लिए रखे बोले पागल डेढ़ सौ ग्राम काजू तीन साल से चल रहे हैं पट्टा एक दिन में खा गया आज के बाद पूछना मत इसको ध्यान रखिए ये स्टेटस है हमारे घरों का विचार करिए मान्यवर कहा मनोहार होती थी कहां वो प्यार होता था ज्वारी की रोटी मट्ठे के साथ खा के दिल में गुजार दिया करते थे लगता था आज किसी के घर में हम मेहमान बन करके आए आज तो नहीं आज आइटम महंगे हैं लेकिन व्यवस्थाएं है, सब बदल चुकी हैं मान्य हम लोग भी चौके में ऐसे ही करने लगे आजकल महाराज काज नहीं लेना अरे महाराज प्लीज एक ले लो मुझे मालूम है एक ही लेना तो क्योंकि उसने पहले ही कह दिया एक ले लो थोड़ा सा ले लो थोड़ा सा क्यों भाई विचार करिए बहुत औपचारिकताएं हमारे जीवन में हो गई हमारा नेचुरल स्वभाव खत्म हो गया है मान्यवर ये व्यंग नहीं है हकीकत है जिंदगी बड़ी मेजबानी हुई उसकी उसने लड़की को देखा चला गया उठ के लड़की वालों ने पूछा कि भाई साहब रिश्ता पक्का समझे उसने कहा मैं घर जाके जवाब दूंगा आजकल ये भी स्टेटस है पसंद है तो भी घर जाके बताएंगे दो चार चक्कर तुम हमारे लगाओ, तब तो मजा आएगा ना नहीं तो शादी का मजा क्या है घर जाके बताएंगे एक बार नहीं तीन बार वो आदमी उस लड़की को देखने गया पहली बार में बड़ा स्वागत हुआ बड़ा सत्कार हुआ लड़की के मां बाप समझ रहे थे कि बड़ा प्रभावित होगा हमारे स्वागत सत्कार से दूसरी बार गया तो लड़की की मां खाना बना रही लड़की टीवी देख है। उसने देखा चला आया बोले अगली बार जवाब दूंगा तीसरी बार गया लड़की की माँ सारे घर का काम कर रही है लड़की नेल पेंट लगा रही है अब रहा नहीं गया लड़की वालों से उन्होंने फोन किया कि भाई साहब हाँ या ना में उत्तर दो जवाब तब तो काजू खा के चले जाओ बोलो क्या करना है शादी करना है कि नहीं करना है उन्होंने कहा कि बहन जी मैं आपकी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता हूं बोले अरे हमारे सत्कार में क्या कमी रह गई सत्कार में तो कोई कमी नहीं रही सत्कार तो इतना किया इतना किया इतना किया कि किसी का भी इतना सत्कार नहीं हो सकता है लेकिन बहन जी मैं आपकी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकता क्योंकि आपके यहां सत्कार तो बहुत है लेकिन संस्कार रत्ती भर नहीं है और मुझे अपने घर के लिए कोई गुलदस्ता नहीं लाना है मुझे अपने घर के लिए बहू और लक्ष्मी लेकर के आना है मुझे कोई जरूरत नहीं है आपने इतने नौकरों से हमारी सेवा कराई अरे मैं कैसे उस लड़की को अपने घर की बहू बनाऊं कि खुद बैठकर टीवी देख रही और माँ काम कर रही है अरे जो पैदा करने वाली माँ के काम में हेल्प नहीं करती वो मेरी बिना पैदा की मेरी पत्नी के काम में क्या हेल्प करेगी हमें ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना है ध्यान रखिए मान्यवर बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षाएं दीजिए बेटी को घर बसाना है उसे दो जिंदगी जीना है ध्यान रखना एक जिंदगी पिता के घर की और एक जिंदगी जीना है पति के घर की बेटियों के प्रति आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटियों को बहुत कुछ सिखाओ लोग कहते हैं कि बाप और बेटे घर के लोग अब बाहर जाके खाना खाते हैं घरों में खाना नहीं खाते हैं क्यों खाते हैं ध्यान रखना मैं कितने भी नियम दिला दू लोग सुधरने वाले नहीं है यदि तो आप चाहते कि हमारा पति बाहर ना खाए हमारे बच्चे बाहर ना खाए तो हर बेटी को पाक कला में निपुण होना चाहिए खाना बनाना उसे आना चाहिए और इतना स्वादिष्ट आना चाहिए कि आपका पति कहे इतना स्वादिष्ट भोजन तो बाजार में भी नहीं जिन घरों में महिलाओं को स्वादिष्ट खाना बनाना नहीं आता है उनके पति घरों में खाना एक बार यही हो गया क्या हुआ एक बाप ने एक बच्चा रोने लगा जोर जोर से मैं नहीं खाऊंगा खाना मैं नहीं खाऊंगा खाना अरे पति बैठा दुकान में अपने टीवी देख रहा उसके कान में आवाज पड़ी बोले मुझे नहीं खाना मैं बाहर जाके खाऊंगा मम्मी तुमने आज फिर वही लौकी बनाई लौकी समझते नहीं भोपला क्या बोलते तुम हाँ भोपला जब भी बोलते ने? आज भी वही बना दिया मेरे लिए मैं नहीं खाऊंगा बाप के कान में आवाज पड़ी बाप उठ के आए रे क्या हुआ बोले मैं घर में खाना नहीं खाऊंगा आज भी वही वो हां वो बड़ा वही बना दो वो तो महाराजों की भाग्य में लिखा हम करें क्या है सोचिए तुम्हारी तो पसंद ही नहीं आती है बोले आज भी वही बना है बाप ने कहा बेटा जूते लेकर आ जूता उठा के ला अरे उसने कहा नहीं पापा मैं खा लूंगा कोई दिक्कत की बात अरे बोले बेवकूफ तू जूता उठा के ला ये सोचा कि अब मुझे जूते पड़ेंगे बाप ने कहा जूता ला बोले क्यों पापा बोले चल।, चल आज अपन दोनों बाहर खाते हैं <laughs> मुझे मालूम है तेरी मम्मी इससे अच्छा कुछ भी बना नहीं सकती है ध्यान रखिए हर बेटी को भोजन बनाना सिखाइए आज बच्चियों को खाना बनाना नहीं आता है आज बच्चियों को घर के काम करना नहीं आते हैं एक बात ध्यान मैं पूना का एक तो धन्यवाद मानूंगा कि कुछ आईटी के बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने वाले जॉब करने वाले मैं पूछता हूं कि कहां रहते हो बोले फ्लैट में रहते हैं चार बच्चे साथ रहते हैं मैं पूछता हूं खाना कहां बना, खाते हो बोले हम अपने हाथ से बना करके खाना खाते हैं ध्यान रखे वाहरे, वाहरे लड़के खाना बना रहे हैं वाहरे पंचम काल और वाहरे जमाना लड़कियां सीख रही हैं कराटे और लड़के सीख रहे हैं पराठे ध्यान रखिए जमाना बदल गया है वो पराठा बनाना सीख रही वो कराटे सीख रही है पूरा जमाना बदल गया है मान सोचिए आप भोजन बनाना जरूर आना चाहिए बहत्तर कलाएं ऋषभ देव ने बतलाई हैं उनमें एक पाक कला का भी उद्देश्य दिया यदि घरों की रसोई पवित्र रखना है आपको अपने घरों में जैनत्व को रखना है हर नारी को हर बेटी को भोजन बनाना जरूर सिखाओ बेटी का घर बसाओ मेरे भाई उजाड़ने का प्रयास एक बात याद रखना यदि बेटी को ये सब चीजें आती हैं, एक बात याद रखना महिला कितनी भी आधुनिक हो जाए महिला कितनी भी मॉडर्न हो जाए कितनी भी पढ़ लिख के बड़ी हो जाए कितना भी ऊंचा दर्जा पाले लेकिन जिस महिला को खाना बनाना आता है मैं कहता हूं बाकी प्रशंसाएं तो झूठी हो सकती हैं लेकिन जिसे खाना बनाना अच्छे से आता है उसे प्रशंसा ही नहीं घर में सबका सम्मान भी मिला करता है और प्यार भी मिला करता है प्रतिष्ठा मिला करती है ध्यान रखिए सम्मान मिल मान्यवर एक सेठ था उसकी एक लड़की थी बड़ी अच्छी लड़की थी पढ़ाया लिखाया लाड़ किया बहुत प्यार किया उस लड़की से जो लड़की कहती सेठ उसकी हर बात पूरी करता मान्यवर बहुत प्यार किया उसने एक बात आपसे मैं निवेदन करूंगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियों को प्यार मत करो प्यार करो सम्मान दो इज्जत दो लेकिन इतना प्यार मत करना कि उसका भविष्य बिगड़ जाए उसका स्वभाव बिगड़ जाए ध्यान रखिए स्वभाव बहुत अच्छा होना एक लड़की मेरे पास आई बोले महाराज मैं अपने माँ बाप से बहुत दुखी हूं इनका क्यों बोले देखो ना मेरा भैया बारह बजे रात को भी आए तो मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते और मैं पांच मिनट भी लेट आऊं तो हजार इंक्वायरी होती है कहां गई थी किसके साथ थी क्या कर रही थी कहां बैठी थी ये क्यों होती है मेरे साथ मेरा भैया कुछ भी पहने तो मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं मैं थोड़ा सा ऐसा पहन लू तो कहते ऐसे कपड़े नहीं पहनना ध्यान रखिए ऐसा क्यों होता है पापा महाराज मेरे माँ बाप मेरे साथ ये भेदभाव क्यों करते हैं मेरा भैया कहीं घूमने जा रहा है तो उसे तुरंत भेज देते हैं मैं घूमने की कहूं तो मुझे मना करते हैं ध्यान रखिए मेरे मम्मी पापा बहुत खराब मैंने कहा बात बता तेरे माँ बाप बुरे हजार पाबंदी लगाते हैं मुझ पर फोन में बात करूं तो किससे बात कर रही है क्यों बात कर रही है भैया सारी रात मैसेज करे तो कोई चर्चा नहीं होती है मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ आज बेटियां तो यहाँ है नहीं लेकिन माताओं से कहना चाहता हूँ कि उस बेटी से पूछना मैंने उस बेटी से कहा बेटा एक बात बताओ बाजार में सब्जी भी मिला करती है और बाजार में हीरे मोती भी मिला करते हैं एक बात बताओ बेटा तुम्हारे घर में सब्जी आती है बोले आती है मिनका हीरा मोती आता है बोले वो, वो भी कभी कभी आता है तो मिनका एक बात बताओ लोग हीरा मोती को कहाँ रखते हैं बोले एक छोटी सी डिब्बी में रखते हैं डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा होता है डिब्बा के ऊपर एक लॉकर होता है तिजोरी होती है अंदर भी लाख होता है और बाहर भी लाख होता है और मैनका सब्जी कहाँ रखते हैं बोले सब्जी तो बाहर रखी रहती है ओपन टोकरी में पड़ी रहती है मैनका बेटा यदि माँ बाप तुझ तुझे पाबंदी लगाते हैं तो बेटी घर का हीरा हुआ करती है उसे संभाल के रखना पड़ता है और लड़के जो होते हैं वो शाग भाजी टोकरी तो में पड़े रहने हम इनको क्या दिक्कत है मान्यवर बेटी घर की इज्जत है बेटी घर का मान है बेटी घर का सम्मान हुआ करती है बेटी मैंने कहा ये तुम्हारे ऊपर पाबंदियां नहीं है ये मां बाप का प्यार है जो घर की इज्जत को संभाल करके रखा करते हैं ध्यान मान्यवर सोचिए सुबह ताई मेरे पास कमरे में आई बोले मेरी बेटी है महाराज एक दिन रोने लगी भर आई कि मैंने शायद कोई गलती की मैंने कहा क्या गलती की मैंने बेटी को कहा कि ऐसे कपड़े नहीं पहनना मैंने बेटी को कहा कि ऐसे जाके होली नहीं खेलना मैंने बेटी पर बहुत पाबंदी लगाई है महाराज लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसका बचपन छीन लिया हो मैंने कहा नहीं जो बेटियों पर इतनी पाबंदी लगाती है तो एक बात ध्यान रखना वो माँ अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार किया करती है आपको जिससे ज्यादा प्यार होता है उसकी सुरक्षा ज्यादा की जाती है मेरे भाई ये माँ का प्यार होता है ये संस्कार देना चाहिए अपने घरों में क्या पहन रही है क्या खा रही है क्या पी रही है कहां रहती है कहां घूम रही है ये अधिकार माँ बाप का है पड़ोसी कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी पड़ोसी तो चाहता है कि इसका सत्यानाश हो जाए ध्यान रखना हमें ही अपने बेटियों को एक आदर्श बेटी बनाना पड़ेगा मान्य उसे दूसरे के घर जाना है उस सेठ की एक बेटी थी बहुत प्यार किया बहुत लाड़ किया उसने एक दिन बेटी बड़ी हो गई बात ध्यान रखना कितना भी सब कुछ हो बेटी यदि कंधे तक आ जाए तो हर मां बाप को उसके विवाह की चिंता हो जाया करती है उस पिता ने उस लड़की का विवाह लेकिन पिता के प्यार में मां के प्यार में वो इतनी उत्तेजित हो गई उसकी स्वभाव पे ध्यान नहीं रखा मां बाप ने उसकी सुविधाओं पे ध्यान रखा, मानिवार आपके घर में यदि बेटी है तो सुविधा से ज्यादा स्वभाव की व्यवस्था किया करो ये सुविधाएं हमेशा रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन स्वभाव तो मरते दम तक हमारे साथ होता है जब सीता वनवास गई तो लोगों ने कहा दशरथ ने अपनी पुत्र बधू को घर से बाहर निकाल दिया राजा जनक ने कहा नहीं पुत्र बधू को घर से बाहर नहीं निकाला मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी के पास वो संस्कारों की संपदा है अरे महल रहे या जंगल मेरी बेटी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भले राजकुमारी हो और राजधू हो लेकिन ध्यान रखना राजमहल नहीं जनक तो घर में बैरागी आत्मा राजा जनक ने कहा मेरी बेटी जंगल में ही उतने ही आनंद से रहेगी जितने आनंद से महलों में रहा करती है ध्यान रखना जनक को कोई दुख नहीं हुआ बेटी के चौदह वर्ष के बनवास में आज का जनक तो एफआईआर करा के अंदर करा देगा राम जी को कि मेरी लड़की की यह दशा की है तुमने ससुर जी को वृद्धाश्रम डाल देगा उठा करके ध्यान रखना क्या क्या महान लोक थे ये महान लोग इन्होंने कहा नहीं मुझे अपनी सीता पर विश्वास है कि सीता कभी भी जनक के वंश का नाम धूमिल नहीं कर सकती है कि आपको अपनी बेटी पर इतना विश्वास है आपसे पूछना चाहता हूं कैसे माता पिता हैं आप आप कह सकते हैं कि कल मेरी बेटी के पास कुछ नहीं रहेगा तो आत्महत्या नहीं करेगी आप कह सकते हैं कि कल मेरी बेटी के पास साधन नहीं होंगे तो भी वो जी लेगी एक माता पिता को इतनी शिक्षाएं अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए ध्यान रखना ये संपदा दौलत पुण्य के दिखावे हैं जिस दिन पुण्य चला गया दौलत चली जाएगी मेरे भाई और यदि अच्छे सुबह और अच्छे संस्कार दे दिए कौन से माता पिता चिंतित होते हैं बेटी के लिए जो अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं ध्यान जनक को कोई चिंता नहीं थी जाने दो सीता को कहा पता चला कि जनक को रावण रावण सीता को उठा के ले गया राजा जनक ने कहा कोई बात नहीं मुझे अपनी बेटी के चरित्र पर पूर्ण विश्वास है कि एक नहीं हजारों रावण भी आ जाएं। और सोने की लंका क्या होती है मेरी बेटी कभी भी पदार्थों के आकर्षण में बंधने वाली नहीं है क्या इतना विश्वास हमें अपनी बेटी पर है वर, ऐसी बेटी सीता रावण की दौलत को लात मार दिया करती है रावण कहता है कि सीता मुझे स्वीकार कर रानी बना करके रखूंगा महारानी पटरानी बनाऊंगा सीता ने कहा तुम्हारे महलों से राम की पर्णकुटी बहुत अच्छी है राम ही मेरे जीवन का आधार है राम ही मेरे जीवन के प्राण है लंकेश तुम्हारी सोने की लंका सीता के मन को विचलित नहीं कर सकती है आदर्श बेटियों को स्थापित करना चाहिए मेरे भाई शिक्षाएं दो तो अपनी बेटी को तुम्हें उसका घर बसाना है चिंतित मत हो शादी करने के बाद यदि संस्कार अच्छे हैं तो हम तो उस देश के लोग हैं कि कोड़ी पति से भी शादी कर दी जाए तो मेरी बेटी उसे कंचन सा कामनी सा बना करके खड़ा कर दिया करती हैं हम ब्राह्मी सुंदरी की हम सुंदरी मैना सुंदरी के युग में जीने वाले में जीने वाले लोग हैं मेरे भाई कोड़ी को दे दी बेटी बेटी में वो ताकत थी कि पिताजी मैं अपने पति को कंचन सा बना करके दिखाऊंगी ये बेटियां होती हैं हमारे देश की इन पे हम गर्व करते हैं इन पे हम गौरव करते हैं अरे दस बेटियों की जगह एक हो सीता जैसी एक बेटी ही बहुत हुआ करती हमारे जीवन के लिए मान्य एक लड़की उसका घर बसाना है वो पिता उसे सुविधा देता रहा सुविधा देता रहा संस्कार नहीं दे पाया स्वभाव नहीं दे पाया जैसे ही बेटी ससुराल में गई शादी करके झगड़े शुरू लड़ाइया शुरू महाभारत शुरू आठ बजे तो सो के उठती सास सुबह से जल्दी उठ जाती कोई एक बोले तो चार सुनाती किसी से कोई मतलब नहीं व्यवहार में बिल्कुल रूखी देखने में बहुत खूबसूरत धीरे धीरे सब लोगों ने निर्णय लिया कि बड़े घर की लड़की है कुछ कर नहीं सकते बस इससे बात मत करो ध्यान रखिए सास ने बोलना बंद कर दिया ससुर ने बोलना बंद कर दिया जेठ ने बोलना बंद कर दिया देवर ननन सब ने बोलना बंद कर दिया और तो और उसके स्वभाव की वजह से पड़ोसियों ने भी उससे जय जिनेन्द्र करना बंद वो किसी को कुछ समझती नहीं कोई एक बोले तो हजार सुनाती है मैं अपने पिता की लड़की हूं कोई ने बात नहीं की एक दिन चल जाएगा दो दिन चल जाएगा एक बात याद रखना लड़ाई झगड़े का सफर ज्यादा लंबा अच्छा नहीं लगता है कभी हम भी पछताते हैं और कभी वो भी पछताता है कोई उससे बोलने को तैयार नहीं वो पूरे परिवार के बीच ऐसी हो गई जैसे उसका कोई है ही नहीं एक दिन रोने लगी जोर जोर से उसने अपने पिता को फोन लगाया पापा जल्दी आओ यदि मुझे जिंदा देखना है मैं इस नरक में अब नहीं रह सकती हूं पिता ने कहा अरे अभी शादी का महीना भर नहीं हुआ ससुराल नरक हो गई मान्यवर मैं एक बात बताता हूं बड़ी मार्मिक मैं उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहा था फिरोजाबाद एक शहर है वहां मैं वहां नसिया जी में गया मैं आहार करके बैठा एक वृद्ध महिला मेरे पास आई उसने मुझे प्रणाम किया उसके चेहरे पर बड़ा आनंद था वो रोज दर्शन को आने लगी मैंने एक दिन पूछा कि अम्मा कहां रहती हो बोली इसी धर्मशाला में रहती हूं महाराज नसिया जी में और कौन है तुम्हारे साथ बोले मैं अकेली रहती हूं आपके बच्चे? मेरी औलाद नहीं है तो इस उम्र में आप क्या करती हो बोले बच्चों को पाठशाला बनाती हूं इतना संतोष था उस महिला के उस माँ के चेहरे पर हकीकत बताऊं तो इतना संतोष किसी आरिका के चेहरे पर भी मैंने नहीं देखा जो श्राविका के चेहरे पर देखा मैंने कहा माँ कोई नहीं तुम्हारा नहीं महाराज, मैं जवानी में ही विधवा हो गई अब यहां रहती तो आपका भरण पोषण कैसे होता है सब हो जाता है महाराज चिंता की क्या बात है मैंने कहा गजब इतनी संतुष्टि जो बड़े बड़े करोड़पतियों के चेहरे पर नहीं दिखती है मैंने कहा मां खर्चा कैसे चलता है बोले मेरे पति की पेंशन आती है कितनी आती है आज से 20 साल पहले की बात तीन सौ रुपए महीने आती है मैंने कहा अम्मा जी तीन सौ रुपए में घर कैसे चलाती होगी क्या करना है महाराज मैंने कहा तीन सौ रुपए में तो गैस का सिलेंडर भरता है महीना कैसे चलता होगा बोले महाराज गैस का सिलेंडर रोज थोड़ी भरवाना है एक बार भरता है तो तीन महीने चलता है तुम तो इनका फिर भी बोले क्या करूं महावीर के वंश में पैदा हुई हूं दो साड़ी का नियम है मेरे महाराज एक साड़ी आज और एक साड़ी कल और यदि कोई तीसरी साड़ी देता है तो पहली साड़ी हटा दिया करती हूं मैंने कहा चेहरे पर आनंद बोले साड़ियों की सीमा है ना इसलिए मेरे चेहरे पर आनंद हुआ करता है और जिनकी साड़ियों की सीमा नहीं होती उनके चेहरों पर आनंद नहीं हुआ करता है मैंने कहा अम्मा जी कैसे गुजारा चलता होगा और आपको विश्वास नहीं होगा एक अक्षर भी नहीं पढ़ लिखती वो महिला अनपढ़ लेकिन मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि बच्चों को छह ढाला पढ़ा रही है द्रव्य संग्रह पढ़ाती है तत्वार सूत्र पढ़ाती है मैंने कहा अम्मा कौन सी क्लास तक पढ़ी हो मैं बात दिल को छूने वाली बताता हूं उस बूढ़ी मां ने कहा कि महाराज मेरे पिता ने मुझे पढ़ना तो सिखाया है लिखना नहीं सिखाया है बोले मैं लिख नहीं सकती मैं तो पैसा निकालने पेंशन का जब जाती हूं तो अंगूठा लगाती हूँ ऐसी पढ़ाई तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी ये पूना जो विद्या की नगरी कहलाया करती है यहां भी इस थेरेपी की पढ़ाई तो नहीं होगी कि पढ़ना आता है और लिखना मेनका मां तुम्हें लिखना क्यों नहीं आता है उस मां ने कहा महाराज मेरे पिताजी बड़े आदर्शवादी थे उन्होंने मुझे घर में बैठकर पढ़ना तो सिखाया स्कूल नहीं भेजा उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया। मैंने एक दिन कलम उठा ली डंडी मारी। तू लिखना मत सीखना। मैंने कहा क्यों कैसे पिता थे तुम्हारे बोले मेरे पिता कहते थे कि मैं तुझे लिखना कभी नहीं सिखाऊंगा तुझे केवल पढ़ना सिखाऊंगा मैं पढ़ सकती हूं लिख नहीं सकती उसकी वजह इतनी है कि मेरे पिता कहते थे बेटी जिस दिन तेरी शादी कर दूंगा और जिस ससुराल में तू रहेगी यदि तु तुझे लिखना आएगा तो वहां के दुख तू मुझे पत्र में लिख करके भेजेगी और जो बेटी ससुराल के दुख पीहर में बताती है उसकी ससुराल को बिखरने में ज्यादा समय नहीं लगा करता है बेटी जो भी मिले तेरा भाग्य है अच्छा मिले तेरा भाग्य है बुरा मिले तेरा भाग्य है तू ससुराल जाना और ना सुंदरी की तरह सब कुछ स्वीकार करना लेकिन ससाल के दुखड़े चिट्ठी में मत लिखना पहले फोन तो चलते नहीं थे मोबाइल तो था नहीं बहुत अच्छे दिन थे वो जब मोबाइल नहीं था मेरे भाई बेटी चिट्ठी लिखती थी मेरे कष्ट है जब तक पहुंचती थी चिट्ठी आठ दिन में आठ दिन बाद जवाब आ रहा तब तक मामला क्लियर अब तो लाइव दिखा देती है देखो सास क्या बोल रही ससुर क्या बोल रहा जेठ क्या बोल रहा वॉइस कॉल चली जाती है ध्यान रखना कितने बढ़िया दिन थे बिखरते हुए घर बच जाते थे आज मन खराब है पिता को चिट्ठी लिख दी चिट्ठी पहुंचते पहुंचते तो मन सही हो जाता था फिर पापा पूछते थे बेटा अब कैसे कुछ नहीं हो गया सब ठीक है कितना बढ़िया जिंदगी थी वो पुराने जमाने की और आज की जिंदगी क्या चिट्ठियों का इंतजार रहता था पोस्ट में नाता था तो दौड़ के जाते थे चिट्ठी आई चिट्ठी आई चिट्ठी आई अब तो चिट्ठी नहीं और कितने शब्द जमा जमा करके लिखे जाते थे राइटिंग सुधरती थी आज तो वे पढ़े लिखे लोगों की राइटिंग ऐसी देख लो आप लिखे खुदा बाचे सब हिंदी लिखना नहीं आती उनको शुद्ध नहीं लिख सकते इतने गंदे राइटिंग है पहले पत्र में कैसे हर व्यक्ति कवि हृदय रखता था एक एक लाइन को उपमाएं दे-दे करके लिखा करता था मेरे देश में जब ये मोबाइल नहीं था तो सरस्वती की सच्ची आराधना की जाती थी मेरे भाई शब्दों को सम अब तो क्या व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ लो फॉरवर्ड कर दिया जिसने भेजा उसने भी नहीं पढ़ा और जिसे मिला उसने भी थैंक्स भी नहीं बोला जाता अब तो वो बना है ना अरे बहुत वो भी नहीं समझ रही है क्या विचार करिए मान्यवर ना पढ़ने की फिकर इसका फॉरवर्ड वहां किया उसका उसे किया वो एक मैसेज दिन भर में हजारों के हाथ में चला जाता है भावनाएं होती ही नहीं है ये साहित्य की चोरी है मेरे भाई ध्यान रखिए मान्यवर उस माँ ने कहा मेरे पिता ने लिखना नहीं सीखा मान्यवर में आज इस सभा में कह सकता हूं मुझे नहीं मालूम वो माँ आज जीवित है या नहीं है उसने मुझे इतना प्रभावित किया जो बड़ी-बड़ी साध्वी और संत भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं उसको भोजन समाज के लोग भेज देते थे एक टाइम खाती थी सप्तम प्रतिमा की व्रत पालती थी इतना आनंद इतना आनंद इतना तेज उसके चेहरे पर आज भी मुझे सामायिक में उसका चेहरा स्मरण आता है तो लगता है हकीकत में जिंदगी ये हुआ करती है अकेले जीवन गुजार रही है बुढ़ापे में उसे कल की चिंता नहीं कहा अम्मा जी कैसे गुजारा चलता होगा उन्हें सब चल जाता है महाराज यदि चलाना चाहो तो तीन सौ रुपए तीन लाख के बराबर होते हैं और नहीं चलाना चाहो तो तीन लाख से भी कुछ नहीं होता जिंदगी में ध्यान रखिए कितनी संतुष्टि के भाव क्या हम अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दे पाए नहीं हमारी बेटी को कोई कमी हो जाए मम्मी आज मेरे यहां ये नहीं है वो नहीं है तलाक आज आप वापिस ध्यान रखिए दुख सहना सिखाओ अपनी बच्चियों को हर परिस्थिति में जीना सिखाओ अपनी बच्चियों को पिता पहुंचा उस बेटी को लेने जैसे ही फोन गया घर का माहौल देखता है शमसानी माहौल समधी जी ने ये नहीं कहा कि आओ भाई साहब किसी ने पानी को नहीं पूछा दामान ने देखा कि ससुर जी आ रहे हैं चुपचाप कट के बाहर चला गया उस बाप ने देखा महीने भर शादी के हुए इस घर में ये क्या माहौल है कोई पूछता ही नहीं है किसी ने बैठने को नहीं बोला वो सीधा लड़की के कमरे में गया लड़की लिपट के रोने लगी पापा अभी ले चलो यहां से मैं नहीं रहूंगी इस घर में इतनी जोर से रोने की आवाज पूरे घर में सन्नाटा तो उसने कहा बेटा बात क्या है बोले मैं नहीं रह सकती हूं कहा मेरी शादी कर दी तुमने अरे इससे अच्छा किसी कुएं में धक्का दे देते इस घर में शादी कैसे कर दी उसने कहा बेटा ध्यान रखो मैं ले चलता हूं तुमको लेने आया हूं पहले तेरी सास से तो पूछ लो ऐसे कैसे ले जाऊंगा उसने कहा भाड़ में गई वो सास एक काम करो मुझे लेके अभी चलो बोले बहन रुक जा बेटा गया वो सास के पास बहन जी अपनी बेटी को लेने आया इसी वक्त ले जाओ कल के ले जाने वाले आज ले जाओ और दोबारा ये हमारे घर में भेजने की कोशिश मत करो बहन जी बात क्या हुई हमसे मत पूछो ये घर का माहौल आप देख रहे हो कितना गंदा है आप ले जाइए अपनी बच्ची भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूं दोबारा इस घर में तुम्हारी बेटी नहीं आना चाहिए बाप ध्यान रखिए एक बेटी के गलत नेचर ने उसका भी छीना और मां बाप का भी सम्मान मिट्टी में मिलाया उसने बेटी को लिया साथ चला गया घर पहुंचा बोले बेटी बात बताओ क्या है एक महीने में ऐसा क्या हो गया तुम्हारे घर में एक बात बता बेटी क्या परेशानी है मुझे बता कि तेरी ससुराल कैसी है बोले मेरी ससुराल का नाम मत लो नरक है नरक बोले ससुराल नरक है तो बोले बेटा एक बात और बता तेरा ससुर कैसा है बोले नाम मत लेना उस ससुर का बोले क्यों राक्षस है पूरा राक्षस अरे उसने कहा यार मुझे तो आदमी लगा ये तो राक्षस कैसे लग रहा है बोले तेरी सास कैसी है बोले डायन है डायन अरे बोले तेरा जेठ कैसा है बोले धूर्त मक्कार मूर्ख बोले तेरा देवर कैसा है बोले आवारा अरे बोले तेरा पति कैसा है बोले यमराज अरे बाप ने कहा यार सारे लोग खराब है बोले वो तेरी ननंद कैसी है बोले नंबर वन की चुगलखोर दिन भर चुगली करती है यहां की वहां वहां की वहां बोले तेरे पड़ोसी कैसे हैं बोले बिल्कुल बर्बाद आवारा लोग है बाप समझदार था ध्यान रखना बेटी के माता पिता बनना किसी संत की तपस्या से कम नहीं हुआ करता मेरे भाई एक जीवन को देना है केवल जन्म नहीं देना बेटी को जीवन और संस्कार की विरासत भी देना पड़ती है बहुत कठिन काम है ध्यान रखना माँ बाप बनना बहुत कठिन काम इतना आसान नहीं है कि बच्चे पैदा कर लिए और मां बाप का दर्जा मिल गया ध्यान रखना अरे पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं मिल जाता बन जाता जिंदगी सौंपना पड़ती हमें बच्चों के लिए पिता ने कहा बेटी तो यहीं रहेगी अब ससुराल नहीं जाएगी उसने कहा बस अब नहीं जाऊंगी मैं चाहती कि मैं ससुराल नहीं जाऊं अब एक बात बड़ी मजे की है बेटी ससुराल नहीं जाए तो मां बाप को तकलीफ नहीं होती मोहल्ले को बड़ी तकलीफ होती है मोहल्ले के पेट में दर्द शुरू हो जाता है बिचारी मंदिर जाती क्यों लेने नहीं आ रहे क्या अरे तेरे सिर पे कौन सी बैठी मैं अपने बाप के यहां बैठी हूं तुझे परेशानी किस बात की है जहां जाती वहां टोका जाता पार्टियों में जाती क्यों ससुराल नहीं जाती क्या जा। अरे उसने कहा यार मेरा हाल चाल तो पूछ नहीं रहा कोई जो देखो अरे दो महीने हो गए ससुराल नहीं जाना तुझे कुछ गड़बड़ चल रहा है दाल में कुछ ऐसे बोले दाल में काला जैसे तुम्हारी घर की दाल में काला हो गया हो पड़ोसियों को बड़ा दर्द हो जाता है बेटी दो महीने ससुराल नहीं जाए बड़ा परेशान हो गई वो लड़की सहेलियां मिलती क्यों जिया जी नहीं आते क्या अरे उसके कान पक गए सुन सुन करके परेशान हो गई हैरान हो गई एक दिन उदास बैठी झरोखे में क्या करे ससुराल जा नहीं सकती पीहर में रहने नहीं दिया जाता और जिस दिन भाभी को पता चल जाए कि ननद नहीं जाएगी श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज पहले तो बहुत पूछती दीदी आई दीदी आई दीदी आई अब दीदी जा ही नहीं रही है लफड़ा शुरू हो गया ध्यान रखना सोच बदल जाती है घर की परिवार की भाभियों की व्यवहार बदल जाते हैं बोलने का अंदाज लड़की क्या करे बिचारी ससुराल में रह नहीं पाती और पीहर में सम्मान खो दिया करती है मान्यवर अबला तेरी यही कहानी आंखों में है आंचल में है दूध और आंखों में पानी ध्यान। क्या नहीं करती ये नारी अपने जीवन में अरे ये नारी तो वो नारी होती है जो घर में खाना भी अपने लिए नहीं बनाती है ध्यान रखना इस नारी का सम्मान बहुमान हो ये घर में खाना नहीं बनाती जिस दिन पति बाहर चले जाए बच्चे नहीं हो घर में तो पूछो खाना बन गया तो कहती क्या बनाना क्या खाना पति देव तो बाहर हैं बच्चा है नहीं दाल रोटी चटनी रोटी खा के दिमाग गुजार देती ये खाना भी तुम्हारे लिए बनाती है ध्यान रखिए ये अपने लिए नहीं जीती है दूसरों के लिए जिया करती है बड़ी दुखी हो गई वो लड़की एक दिन पिता ने कहा कि बेटी बड़ी निराश लगती हो रोने लगी करूं क्या पिताजी मैं बोले पूना में एक महाराज आए हैं जब आदमी दुखी होता है तो महाराज ही नजर आते हैं सुख में तो कोई पलट के नहीं देखता है सुख में तो कहता बारिश हो रही क्या करेंगे जाके ए, सुख में तो कहता अरे नौकरी पे जाना क्या करेंगे जाके और जब बुरे दिन आते हैं तो फिर महाराज ही याद आते हैं बोले अपने यहां एक महाराज आए हैं कल में प्रवचन में गया था तो क्या हुआ पिताजी मैंने उनसे तेरी व्यथा रखी थी उन्होंने एक मंत्र दिया है मुझे मंत्र दिया मंत्र में तो ये दुनिया मिलिंद जी कल से टोना टोटके और मंत्र करने लगूं तो पैर रखने की जगह नहीं होगी यहाँ मिलना नहीं है मुझे ही स्टेज पे जगह मिल जाए ये मेरा सौभाग्य होगा गंडा ताबीज बांटने लगू यहाँ बैठ के कल से मन तंत्र माला पाला घूम फाट स्वाहा इतने में तो भीड़ भीड़ लग जाएगी बोले उन्होंने एक मंत्र दिया है क्या मंत्र दिया पिताजी बोले एक बात बता बेटी यदि तेरी ससुराल सुधर जाए मैं मानता हूं तेरी ससुराल खराब है बेबाप जानता था एक आदमी खराब हो सकता दो हो सकता तीन हो सकता पड़ोसी भी खराब इसका मतलब मेरी बेटी खराब उसने कहा बेटी मानता हूं तेरी ससुराल खराब है एक मंत्र मुझे गुरुजी ने दिया है क्या मंत्र दिया वो छोड़ तू यदि तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में हो जाए तो तू तो जाएगी लड़की ने कहा क्यों नहीं जाऊंगी एक लड़की यही तो चाहती है ना कि चाबी मेरे हाथ में हो मेरे इशारे पर पूरी सास ससुर चले इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा दुनिया का बोले सब हो जाएगा बेटा केवल तुझे जब तक महाराज पूना में है चार महीने तुझे साधना कर बोलो महाराज बोलो पिताजी कौन सा मंत्र जप नहीं मंत्र तू मत जप! ऐसा अद्भुत मंत्र दिया है कि जपेगा बाप असर होगा बेटी को बोले महाराज तो बहुत बढ़िया है देखो पिताजी मैं माला आला तो देखो जप नहीं सकती आप जप लेना बोले बेटा जपूंगा मैं असर तुझ पे होगा लेकिन तुझे थोड़ी सी साधना करना पड़ेगी मुझे तो लाखों बार जपना पड़ेगा मैं साधना करूंगा तुझे भी करना पड़ेगी बोले क्या साधना पिताजी बोले बस केवल चार महीने चार महीने बस तू ससुराल चली जा ना ससुर को जवाब देना किसी को जवाब मत देना कोई कुछ भी कह ले बस चार महीने पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में बोले बस पिताजी चार महीने बोले देखो पांच महीने नहीं करूंगी मैं सार बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं तू चार महीने ही करना बोल तुझे छोड़ाऊ लेकिन किसी को भी जवाब मत देना जिद मत करना मैं यहां माला का जाप करूंगा और एक बात याद रखना तूने एक दिन भी जवाब दिया तो मेरी माला खंडित हो जाएगी ध्यान रखना उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी चार महीने की तो बात है गई ससुराल छोड़ने गया पिता जैसे ही गई सासू खड़ी थी चरण छुए अम्मा जी आशीर्वाद दो इस घर को सुखी रख सको अम्मा ने कहा ये क्या नजारा है ये हो क्या गया इसको पूछा समी से कि समी जी तुम्हारी एक ही लड़की है या जुड़वा है बोले अम्मा जी क्या हुआ बोले ये क्या कर रही है पैर पड़ रही है ये तो ईट का जवाब पत्थर से देने वाली ये पैर क्यों छू रही है बोले अब बच्ची है आशीर्वाद दे दो मम्मा जी मुझे आशीर्वाद दो इस घर को सुखी रखूं अम्मा ने कहा देखती हूँ चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी बोले देखती हूँ रही सुबह उठ गई छह बजे कितने बजे उठती थी तुम्हारा नहीं पूछ रहा हूं उस बहू का आठ बजे उठती थी ना छ बजे उठ गई रसोई में चली गई बर्तन की आवाज अम्मा बोली अपनी बेटी से बेटी देख तो किचन में बिल्ली तो नहीं घुस गई छह बजे से बर्तन की आवाज ननन ने झांक के देखा भाभी काम कर रही है चाय बना रही है उसने कहा मम्मी ये बिल्ली तो बदल गई बोली क्यों बोली चाय बना रही नाश्ता बना रही चाय लेकर के ससुर जी के पास आई बीच में कांच का प्याला रखा था टूट गया पैर की ठोकर से ससुर ने कहा अंधी है दिखाई नहीं देता गुस्सा तो इतना आया कि उठा के प्याला इस ससुर के सिर पे जड़ दो लेकिन उसे याद आया कि बेटी चार महीने उसने कहा बुढ़े इसका जवाब तुम्हें तो चार महीने बाद दूंगी आज नहीं दे सकती बस चार महीने उसने बेमन से कहा पिताजी गलती हो गई अब ध्यान रखूंगी बाप ने कहा ये कौन है ध्यान रखूंगी ये तो अभी तक पूरा ध्यान रख देती खाना बनाने लगी समय से उठने लगी प्यार करने लगी ननन से प्यार देवर से प्यार लेकिन मन में एक ही घड़ी चल रहा था बस चार महीने उसके बाद तो बनवास होगा इन सब मन में यही चल रहा था इतना पंद्रह दिन बीते घर का वातावरण चेंज हो गया अब ससुर जी शाम को घर लौटते तो खाली नहीं आते कुछ ना कुछ लेकर ससुरों से मेरा निवेदन है बहू से इज्जत चाहिए कि खाली हाथ घर मत जाया करो शाम को कुछ ना कुछ मीठा ईठा बहू के लिए ले जाया करो सासुओं से निवेदन है हरिद्वार जाओ शिखर जी जाओ गिरनारजी जाओ तीर्थ पे जाओ कहीं भी जाओ शादी में जाओ बारात में जाओ लौट के आओ बहू के लिए कुछ ना कुछ लड़की के लिए मत लाना लेकिन बहू के लिए क्यों अब सास कहती बहू मेरा इंतजार नहीं करती ससुर कहता बहू मेरा इंतजार अब तुम कुछ लाओगे नहीं तो खा के इंतजार करेंगे आप चाहते हो कि बहू मेरा इंतजार करे खाली हाथ घर मत आना, अरे ज्यादा महंगी नहीं तो एक सस्ती साड़ी लाना लेकिन बहू के लिए एक साड़ियां लेकर के जब जर... देखो बदलना तुम्हें भी पड़ेगा अकेली बहू में नहीं बदलना सासुओं को भी पड़ेगा कौन बोला सास भी कभी हाँ ये याद रहेगा तुम बदलना तो पड़ेगा तुमको भी ससुर जी मीठा लाते देवर भाभी 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 करता जेठवी बहू कह करके आवाज लगाता घर बदल गया पूरा माहौल बदल गया घर का एक दिन सास ने बुलाया बेटा इधर आ बोलो मम्मी जी अब देख मैं बूढ़ी हो गई हूं तू बड़ी योग्य बेटी है ये चावी का गुच्छा आज से तू संभाल ये घर का पूरा मालकिन आज से तू है बेटा मुझे दो वक्त की रोटी प्यार से दे देना ये दौलत तेरी है मकान तेरा और मैं जानती हूं कि तेरे जैसी बहू के अलावा कोई और नहीं है जो इस घर को चला सके आज से धोबी का हिसाब भी तू करेगी दूध वाले का हिसाब तू करेगी घर का जो पैसा आता है तू रखेगी सबको प्रेम से इस घर में रखना बहू ने कहा वाहरे पूना वाले महाराज जिसके लिए मरने का इंतजार करो पंद्रह दिन में चाबी मिल गई बोले मंत्र असर कर रहा है पिता को फोन लगाया पिताजी जाप कर रहे हो या नहीं बोले बेटा चालू है तेरी साधना बोले वो भी चालू है बोले क्या हुआ बोले चार महीने के पहले घर की मालकिन बन गई अरे पिता ने कहा इतनी जल्दी पिताजी अब नियम तोड़ दू अरे बोले नहीं बर्बाद हो जाएगा दो महीने की और बात है बेटा दो बोले ठीक अब कुछ नहीं पिताजी अब नहीं दूंगी जवाब अच्छे से रहूंगी बड़ा प्यार दो महीने और बीते भाई लेने आया बहन बहुत दिन हो गए चार महीने अब घर चल क्या बोलती है बहु मालूम है भैया मम्मी से पूछ लो पहले दिन आया था बाप तो कह रही थी कि जाने दो मम्मी को एक तरफ मम्मी से पूछ लो गया माता जी अपनी बहन को घर ले जाने आया हूं पीहर में ले जा सकता हूं माता जी ने कहा बेटा ये लक्ष्मी के बिना मन नहीं लगेगा मेरा ऐसा करना बहन तुम्हारी भी है ले जाओ जल्दी वापस लौटाना बहू तू जल्दी लौट कर आना सास की आंखों में आंसू आ गए मानिवर, बेटी विदा हो तो मां रोती है अरे असली बेटी तो वो है कि जब पीहर आए तो सास की आंखों में आंसू आ जाना चाहिए तो तुमने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिया है बेटा जल्दी वापस करना घर पहुंची पीहर में समय हो रहा है तुम्हें भी जाना है पिता ने पूछा बेटा बता ससुराल कैसी है बोले स्वर्ग अरे बोले वो नरक था ना पिताजी ऐसा मत बोलो मेरी ससुराल बहुत नरक है अरे बोले वो तुम्हारा राक्षस सरसुर पिताजी देखो ऐसे तो मत बोलो मेरे पिता के समान है महीने आपकी कमी महसूस नहीं हुई मुझे बाप ने कहा बेटी ऐसा बोले वो डायन सास बोले नहीं मेरी मां से भी ज्यादा मुझे प्यार करती है और बोले वो चुगल खोर ननंद अरे बोले वो मेरी छोटी बहन है सहेली है दिन भर भाभी करती रहती है और बोले वो अवारा देवर बोले नहीं लक्ष्मण से भी अच्छा मेरा देवर है उससे अच्छा देवर मिल नहीं सकता बोले वो धूर्त जेठ बोले नहीं जेठ मत बोलो पिताजी मुझे बुरा लग रहा है उन जैसा देवता दुनिया में नहीं मिला करता बोले वो यमराजपति बोले भरा है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है और बोले वो आवारा पड़ोसी बोले घर वाले क्या प्यार करेंगे उससे ज्यादा पड़ोसियों का प्यार मिला करता है बाप ने देखा बेटी के सिर पे हाथ रखा बिरा बास बेटी तूने आज इस बाप की साधना को सफल कर दिया तूने अपना जीवन बदल लिया तूने बोले पिताजी एक बात बताओ, ये तो सब हो गया, अब तो मैं राज कर रही हूं उस परिवार में एक बात बताओ महाराज ने मंत्र कौन सा दिया था? बाप ने नजरें झुकाई बोले कोई मंत्र नहीं दिया अरे नहीं दिया तो तुम कर क्या रहे थे बोले महाराज ने जपने वाला कोई मंत्र नहीं दिया बदलने वाला मंत्र दिया था उन्होंने कहा कि जाओ सेठ बेटी का स्वभाव बदल दो घर स्वर्ग में अपने आप हाँ परिवर्तित हो जाएगा